वेलकम टू माय किचन। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है किनुआ रेसिपी। ये बहुत हेल्दी है, वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। आज मैं बनाई हूँ इसको चाइनीज स्टाइल में, वेज रेसिपी है, आप लोगों को पसंद आएगा। देखिए चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले ये देखिए इंग्रेडिएंट्स है सारे। ये मैं किनुआ थोड़ी देर के लिए सोख करके रखी थी, इसको अभी ब्रश कर लेते हैं। एक देखिए छन्नी में ब्रश कर लेते हैं, फिर देखिए अब ब्रश हो गया है। अब एक पैन चढ़ाते हैं और इसको गरम कर लेते हैं। पैन गरम होने के बाद इसमें तेल डालते हैं। तेल जब गरम हो जाएगा फिर इसमें जो किनुआ मैं वॉश करके रखी हूँ इसको डाल देंगे। अब देखिए डाल दिए हैं इसको। ये बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। ये आप लोग डिनर में ले सकते हैं। ये देखिए थोड़ी देर के लिए इसको सॉटे कर लेते हैं। फिर इसमें अभी पानी डाल देंगे बॉयल होने के लिए। अब देखिए ये पानी डाल दिए और इसको एक कवर चढ़ा देंगे। नमक डाल देते हैं, फिर कवर चढ़ाएंगे और फिर इसको उबालने के लिए थोड़ी देर के लिए उबालेंगे। देखिए कवर चढ़ा दिए हैं। ये बहुत सिंपल है, आप डिनर में इसको ले सकते हैं या लंच में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसको चेक कर लेते हैं, अब हो गया है तो इसको एक ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। फिर इसमें एक पैन और चढ़ाते हैं। पैन गर्म होने के बाद तेल डालते हैं। तेल गर्म होने के बाद देखिए चॉप्ड किए हुए ये जो लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, ये सब डालते हैं। थोड़ी देर इसको फिर सौते करेंगे। ये चाइनीज स्टाइल है तो चाइनीज मसाले सारे आएंगे। ये देखिए प्याज डाल दिए हैं, बारीक कटा हुआ प्याज। फिर जो सारी सब्जियां कटा हुआ है, बारीक कटा हुआ गाजर, रेड एंड येलो बेल पेपर, कैप्सिकम सारे डाल देते हैं। फिर इसको सॉटे करेंगे थोड़ी देर। फिर इसमें एक एक सॉस डालेंगे बाद में, अभी पहले नमक डालेंगे। ये आपके टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, सोया सॉस में भी नमक रहता है तो इसलिए आप थोड़ा आपके टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। देखिए एक सोया सॉस, ये है ग्रीन चिली सॉस, ये चिली गार्लिक सॉस, ये सब मार्केट में मिल जाता है जो भी ऑनलाइन हो या सुपर मार्केट में। विनेगर मिक्स डालेंगे, विनेगर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और हाई फ्लेम में है अभी। ये टोमेटो सॉस है, डालेंगे काली मिर्च पाउडर। अब ये जो मैं बॉईल करके रखी थी किनुआ इसको डाल देते हैं और फिर मिक्स करेंगे।
अब ये सफेद वाला तिल डालते हैं। और ये जो है चाउमीन मसाला, ये भी मिल जाएगा दुकान में, शॉप में भी कहीं पे। इसको सब एक साथ मिला देते हैं अच्छे से। अब कुक हो गया है ऑलमोस्ट, थोड़ी देर के लिए रखते हैं पैन। आप देखिए हो गया है कुक, एक सर्विंग डिश ले लेते हैं और फिर इसमें सर्व करते हैं। अब एक डिश में निकाल लेते हैं। अब देखिए सर्विंग के लिए रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयरिंग और इंस्टा और FB में फॉलो कीजिएगा। फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।